हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फोर्थ वेंट्रिकल। तो फोर्थ वेंट्रिकल है वो कैविटी है रोमबन सेफलॉन की, और रोमबन सेफलॉन बनाता है मीटन सेफलॉन और माइलन सेफलॉन। और जो मीटन सेफलॉन है वो पॉन्स और सेरिबेलम, तो माइलन सेफलॉन है वो मेडुला ऑब्लॉन्गाटा। तो इस पिक्चर में देखिए आप, ये है पॉन्स और ये है मेडुला ऑब्लॉन्गाटा, ठीक है, और ये रहा सेरिबेलम। तो ये तीनों का फॉर्मेशन कौन करेगा? रोमबन सेफलॉन। और रोमबन सेफलॉन क्या बनाता है? मीटन सेफलॉन। तो जो मीटन सेफलॉन है वो बनाएगा पॉन्स और सेरिबेलम, और जो माइलन सेफलॉन है, ठीक है, जो माइलन सेफलॉन है वो क्या बनाएगा? मेडुला ऑब्लॉन्गाटा। तो ये जो तीनों स्ट्रक्चर है, पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम, ये तीनों स्ट्रक्चर एक कैविटी बनाते हैं। इन कैविटी प्रेजेंट है इन तीनों स्ट्रक्चर, कह रहा हूँ। तो ये जो कैविटी है वो है फोर्थ वेंट्रिकल। ये देखिए, ये रहा फोर्थ वेंट्रिकल। और जो फोर्थ वेंट्रिकल है उसकी रूफ, फ्लोर और लेटरल वॉल से चारों तरफ से ये कवर है। तो जो रूफ है वो कौन बनाएगा? सुपीरियर मेडुलरी वेलम और इन्फीरियर मेडुलरी वेलम। ये देखिए, ये रहा सुपीरियर मेडुलरी वेलम और ये रहा इन्फीरियर मेडुलरी वेलम। ये दो जो स्ट्रक्चर है ये रूफ का फॉर्मेशन करेंगे फोर्थ वेंट्रिकल की। और फिर उसके बाद जो फ्लोर है, फ्लोर बनाएगा पॉन्स और मेडुला। तो ये देखिए, ये रहा पॉन्स, ठीक है। अब पॉन्स का जो लोअर पॉन्स है, ये लोअर पॉन्स रहा ये, और मेडुला ऑब्लॉन्गाटा का जो अपर पार्ट है, अपर मेडुला ऑब्लॉन्गाटा, ये इतना, इसकी जो डॉर्सल सरफेस है, ये देखिए, इन दोनों की ये डॉर्सल सरफेस, ये फॉर्मेशन करेगी किसका? फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, डॉर्सल सरफेस ऑफ लोअर पॉन्स है ना, अपर मेडुला। तो ये जो मैंने मार्क किया है, ये वेंट्रल सरफेस है पॉन्स और मेडुला की, और ये रही डॉर्सल सरफेस, ठीक है। तो जो डॉर्सल सरफेस है लोअर पॉन्स और अपर मेडुला की, वो बना रही है क्या? फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। फिर उसके बाद देखिए, जो लेटरल वॉल है, लेटरल वॉल का फॉर्मेशन सेरिबेलर पेडेंकल करते हैं। अब सेरिबेलर पेडेंकल क्या होता है? मिड ब्रेन, सॉरी, ब्रेन स्टेम, आपको पता होगा, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लॉन्गाटा, ये तीनों को स्ट्रक्चर को एक साथ हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। तो ये जो ब्रेन स्टेम है वो सेरिबेलम से कनेक्टेड होता है तीन सेरिबेलर पेडेंकल के थ्रू। तो ये जो है ये होगा सुपीरियर सेरिबेलर पेडेंकल। फिर उसके बाद ऐसे ये प्रेजेंट है मिडिल सेरिबेलर पेडेंकल। फिर उसके बाद ये रहा इन्फीरियर सेरिबेलर पेडेंकल। तो ये तीन पेडेंकल के हेल्प से ब्रेन स्टेम से कनेक्टेड है सेरिबेलम। ये मीडियल व्यू है, यहाँ पे आपको ये पेडेंकल्स नहीं दिखेंगे, लेटरल व्यू में दिखेंगे। तो देखिए एक और चीज़ कि जो सेरिबेलम है, ये यहाँ से अगर आप, ये है क्या? डॉर्सल सरफेस, डॉर्सल, और इस साइड वेंट्रल सरफेस है, ये है डॉर्सल और इस साइड से पड़ जाएगी वेंट्रल। तो अगर आप पीछे से पोस्टीरियरली डॉर्सल सरफेस से अगर आप देखेंगे, इधर से अगर आप देखेंगे, तो सबसे पहले आपको सेरिबेलम दिखाई देगा, उसको अपन रिमूव कर देंगे। सेरिबेलम के बाद ये वेंट्रिकल, ये जो सुपीरियर मेडुलरी और इन्फीरियर, इनको हटा देंगे, तो आपको क्या दिखेगी? डॉर्सल सरफेस ऑफ पॉन्स एंड मेडुला, ये सरफेस दिखेगी। तो ये देखिए, ये जो डायग्राम, इधर पिक्चर है, इसमें हम देख सकते हैं फ्लोर ऑफ पॉन्स एंड मेडुला, ठीक है, यानी फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, ये हमें शो हो रही है। तो इधर से हमें तीन पेडेंकल्स देख सकते हैं आप, ये रहा सुपीरियर सेरिबेलर पेडेंकल, फिर उसके बाद ये है इधर मिडिल सेरिबेलर पेडेंकल, सॉरी, इन्फीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर पेडेंकल, और उसके बाद ये है मिडिल, बीच में मिडिल सेरिबेलर पेडेंकल, सुपीरियर इन्फीरियर, और इन दोनों के बीच में ये रहा मिडिल। तो ये तीन सेरिबेलर पेडेंकल है, ये ज्वाइन करते हैं ब्रेन स्टेम को, मिड ब्रेन इधर, फिर ये पॉन्स और मेडुला ऑब्लॉन्गाटा को, किससे? ये सेरिबेलम से, ये रहा सेरिबेलम, ठीक है। तो ये हो गई क्या? लेटरल वॉल ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। लेटरल वॉल कौन बना रहा है? सेरिबेलर पेडंकल। अब उसके बाद हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं रूफ को। तो
तो जैसा कि मैंने आपको बताया, रूफ है वो सुपीरियर मेडुलरी वेलम बना रहा है, और ये जो सुपीरियर मेडुलरी वेलम है ये नर्वस टिश्यू है, वाइट मैटर है, और ये जो वेलम है ये लेफ्ट और राइट सुपीरियर सेरिबलर पेडंकल को जोड़ता है एक साथ। ये देखिए, ये रहा सुपीरियर सेरिबलर पेडंकल, कौन सा, लेफ्ट सुपीरियर सेरिबलर पेडंकल, और वैसे ही इधर साइड प्रेजेंट है एक ऐसे, ये हो गया राइट सुपीरियर सेरिबलर पेडंकल। इन दोनों को, पेडंकल को, ये जो आपको दिख रहा है इधर स्ट्रक्चर ऐसे, ये कनेक्ट कर रहा है। तो ये है सुपीरियर मेडुलरी वेलम, सुपीरियर मेडुलरी वेलम इन दोनों पेडंकल को जोड़ रहा है, राइट और लेफ्ट। तो ये रहा, हो गया सुपीरियर मेडुलरी वेलम। फिर उसके बाद देखिए इन्फीरियर मेडुलरी वेलम क्या है, ये फॉर्म बाय नॉन नर्वस टिश्यू, नॉन नर्वस टिश्यू से बनता है, वो है एपेंडाइमा। आपको याद होगा एपेंडाइमल सेल्स, एपेंडाइमल सेल्स क्या बनाते हैं, कोरोइड, सॉरी CSF, लिटिल कंट्रीब्यूशन होता है CSF बनाने में। जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो कौन बनाता है, कोरोइड प्लेक्सस, मेजर कंट्रीब्यूशन कोरोइड प्लेक्सस है CSF का। फिर उसके बाद इस इन्फीरियर मेडुलरी वेलम में दो फोरमेंस प्रेजेंट होते हैं, मीडियन अपर्चर में होता है फोरमेन मजेंडी, और लेटरल अपर्चर में प्रेजेंट होता है लुश्का, फॉर्मल लुश्का। तो मीडियन से आप याद रखिए मेजेंडी, और लेटरल से याद रखिए लश्का, ठीक है। तो ये हो गई रूफ ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। अब इसके बाद हाँ, हमने रूफ देख लिया, लेटरल वॉल देख लिए, अब जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है वह है फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और एग्ज़ाम में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और फिर मार्क करके पूछते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर है, इसका फंक्शन क्या है, और वगैरह वगैरह। तो हम ये डिटेल में देखेंगे। तो देखिए ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये है फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, ये फ्लोर है। अब जो फ्लोर है उसमें दो सल्कस प्रेजेंट होते हैं, दो सल्कस प्रेजेंट होते हैं, तो इन सल्कस के ही अराउंड सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो ये देखिए, ये रहा बीच में ऐसे प्रेजेंट है, ये है मीडियन सल्कस, ठीक है। फिर उसके बाद जो दूसरा सल्कस है वो ये रहा दूसरा सल्कस, इसे हम कहते हैं सल्कस लिमिटेंस। तो ये दो सल्कस प्रेजेंट है, इसके अराउंड ही सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। तो सबसे पहले मैं मार्क कर देता हूँ मीडियन सल्कस को, ये एकदम बीच में प्रेजेंट है, ये रहा मीडियन सल्कस। फिर उसके बाद ये मैंने मार्क कर दिया है ये पिंक कलर से, ये देखिए ये रहा सल्कस लिमिटेंस। अब देखिए सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि ये आपको लाइन से दिख रही है, ये स्ट्रक्चर्स जो दिख रहे हैं, ये है स्ट्राया मेडुलरिस, स्ट्राया मेडुलरिस ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। तो इस स्ट्राया मेडुलरिस के ऊपर, ये जो इसके ऊपर ये जो दिख रहा है, ये है लोअर पॉन्स, ठीक है, लोअर पॉन्स, और इसके जो नीचे ये दिख रहा है ये है अपर मेडुला। तो स्ट्राया मेडुलरिस, पॉन्स और पॉन्स और मेडुला, इन दोनों के बीच में ऐसे प्रेजेंट होता है। तो स्ट्राया मेडुलरिस ये रहा। फिर उसके बाद देखिए जो मीडियन सल्कस है और सल्कस लिमिटेंस है स्ट्राया मेडुलरिस के ऊपर वाला, ये है लोअर पॉन्स में, इन दोनों के बीच में एक स्वेलिंग प्रेजेंट है, ये दिख रही है ऐसी स्वेलिंग प्रेजेंट है ये दोनों, इसे हम कहते हैं मीडियन एमिनेंस, ठीक है। और मीडियन एमिनेंस में दो स्वेलिंग ऐसी प्रेजेंट है, इस स्वेलिंग को हम कहेंगे फेशियल कॉलिकुलस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फेशियल कॉलिकुलस, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम देखेंगे स्ट्राया मेडुलरिस के नीचे क्या प्रेजेंट था, लोअर अपर मेडुला। तो ये जो अपर मेडुला है सल्कस, मीडियम सल्कस और सल्कस लेमिटेंस के बीच है, कुछ ट्रायंगल्स प्रेजेंट है, ये देखिए ये रहा, सॉरी ये देखिए ये रहा पहला ट्रायंगल, हाँ ये है जो ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को हम कहेंगे हाइपोग्लोसल ट्रायंगल, ठीक है, ये रहा हाइपोग्लोसल ट्रायंगल। फिर उसके नीचे एक और ट्रायंगल प्रेजेंट है, तो ये ट्रायंगल हो जाएगा कौन सा, ये देखिए ये दूसरा एक और ट्रायंगल प्रेजेंट है, इसे हम कहेंगे वेगल ट्रायंगल, ट्रायंगल। तो हाइपोग्लोसल ट्रायंगल और वेगल ट्रायंगल, ये दोनों प्रेजेंट है
मीडियम सल्कस और सल्कस लिमिटेंस के बीच में, और कहाँ पे, लोअर मेडुला में, ठीक है। फिर उसके बाद इन दोनों के नीचे, इन दोनों के नीचे सबसे एकदम आखिरी में, यहाँ ये मैंने मार्क किया पिंक कलर से, यहाँ पे प्रेजेंट है एरिया पोस्टरीमा। तो सबसे नीचे प्रेजेंट है एरिया पोस्टरीमा, ठीक है। ये हो गए स्ट्रक्चर्स। अब देखिए ये जो सल्कस लिमिटेंस था, ये रहा इसके ऊपर, ये ब्लूइश कलर से आपको दिख रहा होगा, ये जो स्ट्रक्चर है ब्लूइश कलर सा, इसे हम कहते हैं लोकस सेरुलियस, और इसका दूसरा भी नाम है सबस्टेंशिया फेरुजिनिया। तो ये हो गया लोकस सेरुलियस या सबस्टेंशिया फेरुजिनिया। फिर उसके बाद इस सल्कस लेमिटेंस के लेटरली, ये देखिए ये दिख रहा है लेटरली, लिटरली एक ट्रायंगल या एरिया प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं वेस्टिबुलर एरिया, ठीक है। तो ये हो गया वेस्टिबुलर एरिया। तो वो टोटल अराउंड हमने सेवन स्ट्रक्चर्स, सेवन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल में देखे हैं। तो कितने ट्रायंगल्स हमने देखे हैं, सबसे पहले देखिए स्ट्रक्चर्स में काउंट करता हूँ। देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो है फेशियल कॉलिकुलस। तो ये फेशियल कॉलिकुलस ये रहा, दूसरा कलर यूज़ करता हूँ, ये रहा देखिए, ये हो गया फेशियल कॉलिकुलस। तो ये जो फेशियल कॉलिकुलस है इसके नीचे अंदर प्रेजेंट होता है सिक्स्थ क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस, सिक्स्थ क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस प्रेजेंट है फेशियल कॉलिकुलस के नीचे। फिर उसके बाद ये जो दूसरा ट्राइंगल है, सॉरी ये जो ट्राइंगल है ये कौन सा ट्राइंगल है, हाइपोग्लोसल ट्राइंगल। और इस ट्राइंगल के नीचे बीनीथ इट क्या प्रेजेंट है, ट्वेल्थ क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो नेक्स्ट ट्राइंगल है ये है वेगल ट्राइंगल, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है टेंथ क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस। तो ये सारे न्यूक्लियस सिक्स सिक्स क्रेनियल नर्व, फिर उसके बाद ट्वेल्थ, और उसके बाद टेंथ क्रेनियल नर्व, और फिर उसके बाद ये है वेस्टिबुलर एरिया, ये आप देख रहे हैं, ये है वेस्टिबुलर एरिया। तो वेस्टिबुलर एरिया में एट्थ क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस इसके नीचे प्रेजेंट होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन कौन से न्यूक्लियस प्रेजेंट है किस किस एरिया में, इसलिए। तो ये हो गया फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। एक बार हम अच्छे से देख लेते हैं, देखिए स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्राया मेडुलारिस ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, जो कि वाइट मैटर से बना होता है, और ये प्रेजेंट होता है पॉन्स और मेडुला के बीच में। ये देखिए ये हो गया स्ट्राया मेडुलारिस, और ये प्रेजेंट है पॉन्स, वो भी कौन सा, लोअर पॉन्स और अपर मेडुला के बीच में, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है लोकस सेरुलियस। अब ये जो लोकस सेरुलियस है वो अपर पार्ट ऑफ सल्कस लिमिटेंस के प्रेजेंट होता है। ये देखिए ये रहा सल्कस लिमिटेंस, इसके अपर पार्ट में ये प्रेजेंट है लोकस सेरुलियस। इसका दूसरा नाम है सबस्टेंशिया फेरुजिनिया। तो अब ये एक पिगमेंटेड स्ट्रक्चर है, पिगमेंटेड है, और ये ग्रे मैटर से बना हुआ है, ठीक है, ग्रे मैटर है, ये ग्रे मैटर में प्रेजेंट है, ये कह सकते हैं। फिर उसके बाद तीसरा है वेस्टिबुलर ट्रायंगल। तो ये जो ट्रायंगल है वो लेटरल टू सल्कस लिमिटेंस, सल्कस लिमिटेंस के लेटरली प्रेजेंट है। अब ये रहा सल्कस लिमिटेंस, इसके ऊपर प्रेजेंट था लोकस सेरुलियस, अब इसके लेटरली, ये देखिए लेटरली ये मैं मार्क कर रहा हूँ, ये क्या है, वेस्टिबुलर एरिया, ठीक है। और यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्रीनियल नर्व एट का न्यूक्लियस। फिर उसके बाद है फेशियल कॉलिकुलस, ये प्रेजेंट होता है बिटवीन मीडियम सल्कस एंड सल्कस लिमिटेंस, इन दोनों के बीच में एक स्वेलिंग प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं फेशियल कॉलिकुलस। और ये स्वेलिंग काहे के लिए है, ड्यू टू एग्जॉन ऑफ फेशियल नर्व, जो फेशियल नर्व है उसके एग्जॉन के कारण ये स्वेलिंग बनती है। इधर क्लियरली आपको समझ आएगा, ये देखिए ये है फोर्थ वेंट्रिकल और ये है फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, और फ्लोर में दो स्वेलिंग प्रेजेंट है, ये देखिए ये ऐसी स्वेलिंग प्रेजेंट है, ये किस लिए है, फाइबर्स ऑफ फेशियल न्यूक्लियस, इनके कारण एग्जॉन्स है, जो ये रहा फेशियल न्यूक्लियस, अब इसके एग्जॉन्स से ऐसे घूम के ऐसे जा रहे हैं दोनों तरफ से, ये देखिए ये एग्जॉन्स है इसके फेशियल नर्व के, तो इसके कारण ये स्वेलिंग प्रेजेंट हो रही है। इस स्वेलिंग को हम क्या बोल रहे हैं, फेशियल कॉलिकुलस, फेशियल
न्यूक्लियस के जो फाइबर है उसके कारण फेशियल कॉलिकुलस बन रहा है, और फेशियल कॉलिकुलस के नीचे जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो है एब्ड्यूसर न्यूक्लियस, यह है सिक्स्थ क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस। ठीक है, अब उसके बाद जो अपर पार्ट है मेडुला का, मेडुला ऑब्लांगाटा का, स्ट्राया मेडुलरिस के नीचे, वहाँ पर प्रेजेंट है हाइपोग्लोसल ट्रायंगल, वेगल ट्रायंगल और एकदम आखिरी में एरिया पोस्टरीमा। तो जो हाइपोग्लोसल ट्रायंगल है वहाँ पर प्रेजेंट होता है 12th क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस, और जो वेगल ट्रायंगल है वहाँ पर प्रेजेंट होता है 10th क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस, और एरिया पोस्टरीमा आपको पता है ये सेंटर ऑफ वॉमिटिंग है, और ये क्रीमो, इसे हम कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन भी कहते हैं, और ये जो एरिया पोस्टरीमा है इधर ब्लड ब्रेन बैरियर एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं सरकम वेंट्रिकुलर ऑर्गन। इसके पहले भी हमने दो स्ट्रक्चर्स हैं डिस्कस किए थे थर्ड वेंट्रिकल में, एक था लेमिना टर्मिनालिस और उसके बाद पीनियल ग्लैंड, ये दोनों स्ट्रक्चर भी सरकम वेंट्रिकुलर ऑर्गन थे। फिर उसके बाद हम देखते हैं सल्कस, तो दो सल्कस प्रेजेंट है, उसके अराउंड ही सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एकदम बीच में जो प्रेजेंट था वो था मीडियम सल्कस, फिर उसके बाद एक सल्कस लिमिटेंस, और सल्कस मीडियम सल्कस और सल्कस लिमिटेंस के बीच में प्रेजेंट थी एक स्वेलिंग जिसे हमने कहा था फेशियल कॉलिकुलस, और ये स्वेलिंग किसके कारण है, एक्सॉन्स ऑफ क्रेनियल नर्व 7। ठीक है, और जो सल्कस लिमिटेंस है उसके ऊपर प्रेजेंट था लोकस सेरुलियस या सब्सटेंशिया फेरेजिनिया, सब्सटेंशिया फेरेजिनिया, और जो लेटरल टू सल्कस लिमिटेंस था वो वेस्टिबुलर एरिया, वेस्टिबुलर ट्रायंगल या एरिया कह लीजिए प्रेजेंट था, जहाँ पे क्रीनियल नर्व जो है 8 उसका न्यूक्लियस प्रेजेंट था। तो ये हो गया फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको डायग्राम आएंगे क्वेश्चन में एग्जाम में और मार्क कर दिए जाएंगे कि ऐसे कि ये एरिया क्या है या ये जो मार्क स्ट्रक्चर है इसका फंक्शन क्या है ऐसे करके। तो ये अब हम क्लियरली अंडरस्टैंडिंग के लिए एक स्कीमेटिक डायग्राम से हम समझेंगे। ठीक है, पर उसके पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो क्वेश्चन है विच क्रीनल नर्व न्यूक्लियस इज़ नॉट फाउंड ऑन द फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। तो ये जो पूछ रहा है ये पूछ रहा है कि कौन सा क्रीनल नर्व न्यूक्लियस है वो फोर्थ वेंट्रिकल की फ्लोर में प्रेजेंट नहीं होता है। तो ऑप्शन में देखिए क्या क्या है, ऑप्शन में एक है सिक्स्थ क्रेनियल नर्व, उसके बाद 8th क्रेनियल नर्व न्यूक्लियस, और फिर 10th और 7th, ये ऑप्शन में है। अब भी हमने देखा था कि कौन कौन से न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, तो सिक्स्थ क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होता है, फेशियल कॉलिकुलस है, उसके नीचे प्रेजेंट होता है सिक्स्थ क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस। ठीक है, फिर उसके बाद जो 8th क्रेनियल नर्व है उसका न्यूक्लियस वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो वेस्टिबुलर एरिया में प्रेजेंट होता है, सल्कस लिमिटेंस था, उसके ऊपर लोकस सेरुलियस या सब्सटेंशिया फेरेजिनिया प्रेजेंट था, और उसके बाजू में ऐसे एरिया प्रेजेंट था जिसे हमने कहा था वेस्टिबुलर एरिया, तो उसके नीचे 8th क्रीनियल नर्व न्यूक्लियस प्रेजेंट था, फिर उसके बाद 10th क्रीनियल नर्व, तो जो 10th क्रीनियल नर्व है वो कहाँ पर प्रेजेंट था, वेगल ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर। ठीक है ना, और उसके बाद जो 7th क्रेनियल नर्व न्यूक्लियस है ये एब्सेंट है, ये प्रेजेंट नहीं है, इसके फाइबर्स प्रेजेंट है जिसे हम फेशियल कॉलिकुलस कहते हैं, पर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। ये देखिए डायग्राम में, ये रहा फेशियल न्यूक्लियस, ये और अंदर प्रेजेंट है फोर्थ फ्लोर, ये रही फ्लोर, तो फ्लोर से कुछ ज़्यादा ही अंदर प्रेजेंट है, इसके फाइबर्स हैं प्रेजेंट है जिसे हमने फेशियल कॉलिकुलस कहा था, पर न्यूक्लियस सिक्स्थ क्रेनियल नर्व न्यूक्लियस एब्ड्यूसर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, कौन सा प्रेजेंट नहीं है, वो है 7th। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सब्सटेंशिया फेरुजिनिया इज प्रेजेंट इन, अब ये पूछ रहा है सब्सटेंशिया फेरुजिनिया कहाँ पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए एक बार, ऑप्शन देखेंगे हम, तो ऑप्शन में वाइट मैटर दिया हुआ है, सल्कस लिमिटेंस, ग्रे मैटर और इन्फीरियर कॉलिकुलस, तो हम जो ऑप्शन है उसे रूल आउट करते हैं, जो मतलब एक भी आंसर नहीं लग रहा है उसे हम सबसे पहले हटा देंगे। तो आपको पता है सल्कस लिमिटेंस है, सल्कस लिमिटेंस के ऊपर प्रेजेंट था क्या, लोकस सेरुलियस, और जिसे हमने कहा था सब्सटेंशिया फेरुजिनिया। ठीक है, तो ये प्रेजेंट था कहाँ, सल्कस लिमिटेंस के ऊपर।
तो ऑप्शन में देखिए क्या क्या है। इंफीरियर कॉलिकुलस है तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा आंसर। फिर उसके बाद वाइट मैटर दिया हुआ है, ग्रे मैटर दिया हुआ है और सल्कस लिमिटेंस। तो वाइट मैटर तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बताया था इसके पहले कि ये ग्रे मैटर है। तो ग्रे मैटर और सल्कस लिमिटेंस, तो क्वेश्चन में जो पूछा है वो ये पूछा है, सेप्शन से फर्जीनियस प्रेजेंट इन, कहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये सल्कस लिमिटेंस के ऊपर तो प्रेजेंट है पर इसमें प्रेजेंट नहीं है, ये ग्रे मैटर। इसका सही आंसर क्या है? ग्रे मैटर। तो ये ग्रे मैटर में प्रेजेंट है, ये ग्रे मैटर से बना हुआ है और ये एक पिगमेंटस स्ट्रक्चर है, सेप्शन से फर्जीनिया, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे आंसर, इसको आंसर करने में गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब हम एक स्केमेटिक डायग्राम से फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल देखते हैं। तो देखिए ये रहा फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। अब बीच में एक सल्कस प्रेजेंट है जिसको हमने कहा था मीडियन सल्कस। फिर उसके बाद दूसरा ये जो सल्कस है ये रहा, ये देखिए ब्लू कलर से ये मार्क किया मैंने, ये है सल्कस लिमिटेंस। तो ये है सल्कस लिमिटेंस। और फिर उसके बाद ये रहा स्ट्राया मेडुलारिस ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। अब जो स्ट्रायम मेडुलारिस है उसके ऊपर साइड क्या प्रेजेंट है? पॉन्स। और उसके नीचे साइड क्या प्रेजेंट है? मेडुला ऑब्लॉन्गाटा, ठीक है। अब जो अपर पार्ट है स्ट्राया मेडुलारिस के अपर पॉन्स तरफ देखिए, तो मीडियन सल्कस और सल्कस लिमिटेंस के बीच में ये पिंक कलर सा पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है दो, इसे हम कहते हैं मीडियन इमिसेंस, है ना। और इसी मीडियन इमिसेंस में दो स्वेलिंग प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं फेशियल कॉलिकुलस। तो ये रहा फेशियल कॉलिकुलस और ये काई के लिए बनी है ड्यू टू फाइबर्स ऑफ सेवेंथ क्रैनियल नर्व न्यूक्लियस, है ना। तो जो सेवन क्रैनियल नर्व न्यूक्लियस है उसके फाइबर्स के कारण ये स्वेलिंग बनी है फेशियल कॉलिकुलस। फिर उसके बाद अब हम स्ट्राया मेडुलारिस है ना, उसके नीचे वाला स्ट्रक्चर देखेंगे, ये है मेडुला। तो मीडियन सल्कस और सल्कस लिमिटेंस के बीच में ये एक ट्रायंगल प्रेजेंट है मेडुला रीजन में जिसे हम कहते हैं हाइपोग्लोसल ट्रायंगल, येलो कलर से मार के। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पे प्रेजेंट है 10th क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसी के नीचे ये एक और ट्रायंगल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है वेगल ट्रायंगल। मतलब यहाँ पे प्रेजेंट है 10th क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस। फिर उसके नीचे ये ग्रीन कलर से मार्क्ड है एकदम नीचे, ये है एरिया पोस्टरीमा। हाँ, अब ये हो गए स्ट्रक्चर्स मेडुला में। अब देखिए सल्कस लिमिटेंस है, सल्कस लिमिटेंस के एकदम एपेक्स में ऊपर ये देखिए, ये प्रेजेंट है लोकस सेरुलियस जिसे हम कहते हैं सब्सटेंशिया फेरुजिनिया। और इसके जो सेल्स हैं वो पिगमेंटेड नर्व सेल्स हैं और ये ग्रे मैटर है एक, ठीक है। और सब्सटेंशिया फेरुजिनिया या लोकस सेरुलियस के नीचे प्रेजेंट होता है ये जो मैंने मार्क किया है, ये है सुपीरियर फोबिया। और वैसे ही ये जो वेगल ट्रायंगल है उसकी एपेक्स में इधर ऐसे प्रेजेंट है दो, ये है इन्फीरियर फोबिया। और सल्कस लिमिटेंस के लेटरली जो एरिया प्रेजेंट है ये ब्लू कलर से मार्क्ड है, वो है वेस्टिबुलर एरिया। यहाँ पे प्रेजेंट होता है जो क्रीनियल नर्व न्यूक्लियस है, 8th क्रीनियल नर्व न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसके नीचे। तो ये थी फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। हमने जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते थे और जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं इतना ही, मतलब इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा ऐसा कुछ पूछा नहीं जाएगा एनाटॉमी के रिलेशन से। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।